हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मल्टीपैकर वर्ल्ड। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मल्टीपैकर स्टॉक के बारे में जिसका नाम है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको, केसॉल। केसॉल वो कंपनी है जो कि 2012 में अपना फाउंडेशन डाल चुकी थी और यहाँ पर जब मार्केट में लिस्ट हुई है जुलाई 2020 में, तो सिर्फ 100 रुपये से इसका इश्यू प्राइस आया था और 4 लाख शेयर के साथ ये मार्केट में आए थे। लिस्टिंग मात्र 101 रुपये पर हुई थी और तब से लेकर अब तक 350% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये दे चुकी है। और यहाँ पर 2 साल के अंदर इसका रिटर्न जो दिया है वो भी मल्टीबैगर रहा है, और आने वाले साल इसके लिए और भी कई मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो गाइज़, ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो भी आने वाले वक्त में, यानी कि फ्यूचर में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे सिर्फ उसी में ये अपना फोकस बनाए हुए, इस वजह से इस स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक कहा जाता है और आने वाले टाइम में है आपको देखने को भी मिलेगा। तो गाइज़, अब इस कंपनी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से लोग में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज, इस कंपनी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, कंसल्टिंग और आईटी सॉल्यूशन भी ये कंपनी इसको प्रोवाइड करती है। तो ये फील्ड क्या क्या है जहाँ पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये है हमारी रियल इस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल, टेलीकॉम एंड हेल्थ, और भी कई इसी तरह की कंपनियाँ। और यहाँ पर इनके कई सारे पार्टनर्स भी हैं। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर पर ये ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये हैं हमारे सेल फोर्स, AR VR, IoT एंड चैटबोर्ड एक्सेट्रा, इसी तरह की और भी कई सॉफ्टवेयर्स में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं पर ये अपना ज़्यादा फोकस बनाकर रखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा एक किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर है हमारा सेल फोर्स, मशीन लर्निंग, जावा स्क्रिप्ट, पेनेट्रेशन टेस्टिंग एंड, और ये जो बाकी के एप्लीकेशंस भी हैं यहाँ पर भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एप्लीकेशन में देखेंगे तो कौन कौन से ऐप्स को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ओटू ऐप ये इनके पार्टनर भी हैं, और मैगेंटो ऐप, सेल फोर्स जो कि इनके पार्टनर हैं, ये सभी के सभी इनके पार्टनर हैं, और एंड्रॉयड और iOS के लिए भी ये ऐप्स डेवलप किया करते हैं। तो यहाँ पर जो इनके डेटा डिवीजन प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, तो ये कहाँ जा रही है, ये आपकी एपेक, निफी, स्पार्क, काफका एंड कासेंड्रा जैसी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो इनका रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से जनरेट होता है, तो इनके सर्विसेज से जनरेट होता है 94% रेवेन्यू, जो कि एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट और कस्टमाइजेशन से भी ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि अभी 6% बना हुआ है। और यहाँ पर सर्विसेज जो कि सबसे मेन है, इसी पर इनको फोकस करना चाहिए और वहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ से ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो मोबाइल एंड ओपन सोर्सेज टेक्नोलॉजी से 14%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 11%, सेल फोर्स से 39% और ऑटोमेशन से 5%, बिग डेटा से 16% और जावा माइक्रो सर्विसेज से 15%। और ज्योग्राफिकली देखेंगे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो इंडिया से 26%, यूरोप से 9%, नॉर्थ अमेरिका जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर कर दे रहा है 60%, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 2% और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3%। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो इनकी कंपनी है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर इनका 100% स्टेक इन्हीं के पास है, और ईयर 2022 में इन्होंने अपना क्लाइंट बेस बढ़ाकर यहाँ पर 35+ कर दिया है आईटी सर्विसेज जहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और कंट्रीज़ की बात करें तो 20+ कंट्रीज़ में अब ये एक्सपेंड कर चुके हैं। और यहाँ पर जो इनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं, 5 क्लाइंट हैं जहाँ से 48% का रेवेन्यू सिर्फ 5 क्लाइंट से ही जनरेट कर लिया करते हैं। और कंपनी की पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो केसॉल्व जो है वो सेल फोर्स, एडोब, ओडू और ड्रूपल एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप बनाए हुए हैं, और जो उनकी प्रमोटर्स होल्डिंग थी 68% की, वो मार्च 2021 में 62% हो गई है, और बाकी की पब्लिक के पास होल्ड है। और अब हम देखते हैं केसॉल्व इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन। तो यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हैं, 550 करोड़ का इनका मार्केट कैप बना हुआ है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 464 पर चल रहा है, जो कि लिस्टिंग के टाइम इशू प्राइस था 100 रुपीज़ और लिस्ट हुआ था 101 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना लो रहा है एक साल में, तो 293 का लो बनाया था और हाई 519 का बनाया था। आप कहेंगे कि 519 का तो हाई बना चुका है, तो और कितना जा सकता है, ये कई बार स्प्लिट किया जा सकता है, और रेशियो में ये आपको शेयर भी इशू कर सकते हैं, यानी कि इसका जो मल्टीबैगर आप प्राइस पूछेंगे कि कितना जा सकता है 5 से 10 सालों में,
तो 5 से 10 सालों के बीच में ये करीब यहाँ से 20 टाइम भी आपको रिटर्न दे सकता है। कंपनी के फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 9.27 करोड़ का इनके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, जो कि करंट लायबिलिटी अगर देखी जाए तो इससे ज़्यादा है, यानी कि इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कहा जा सकता है। और कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और इसके जो आने वाला क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। CAGR देखेंगे 5 ईयर का, तो यहाँ पर बहुत ही शानदार 277% का बना हुआ है, और यहाँ पर 3 ईयर की रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो यहाँ पर 111% की देखने को मिल रही है, और मेंटेनेंस और हेल्दी डिविडेंड भी ये दे रही है, जो कि ज़्यादा नहीं 4 रुपये का भी डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था, जो कि काफ़ी सही है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये डिविडेंड के लिए नहीं, यहाँ पर आप मल्टीबैगर रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली जो इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा, कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा। 10.7 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और दिसंबर 2021 में देखें तो 12 करोड़ का, फिर 14 करोड़, 16 करोड़, देन यहाँ पर 18.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और इसमें प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है। सेप्टेम्बर 2021 से देखेंगे तो क्वार्टरली 3.3 करोड़, और फिर 3.9 करोड़, और 4 पॉइंट लगभग 4 करोड़, और यहाँ पर 5.30 करोड़, और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है 5.9 करोड़ का यहाँ पर इनका प्रॉफिट निकल कर आया है, जो कि बहुत ही शानदार इंक्रीमेंट देखा जा रहा है यहाँ पर। कंपनी के प्रमोटर्स के पास टोटल होल्डिंग देखी जाए तो 62.45% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है, और रिटेल यानी कि जो पब्लिक है उसके पास जो होल्डिंग है रखी हुई है वो 37.55% की रखी हुई है। आप भी अगर इसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें, फिर इसमें इन्वेस्ट करें, और जो भी आपके एनालिस्ट हैं उससे भी आप सलाह ले सकते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दे सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, 10 लोगों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।